गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में शोध छात्र पवन कुमार ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर की क्या भूमिका है, जो कि शोध छात्रों के लिए बड़ी बात है। ऐसे महान विद्वान को याद किया गया है और लोगों को बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने संविधान को बनाया था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के शोध छात्र पवन कुमार ने कहा, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के पूर्व संध्या पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत हिंदी विभाग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहा है और इस पर एक संगोष्ठी आयोजित किया हुआ है। इस संगोष्ठी का नाम है राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका। यह बेहद ही छात्रों, शिक्षकों और सोच छात्रों के लिए बहुत बड़ी बात है, जिसमें बाबा साहब जो राष्ट्र निर्माता हैं, भारत के संविधान के लेखक कहा जाता है उन्हें, ऐसे महान क्रांतिकारी, ऐसे महान विद्वान, भारत रत्न जैसे प्राप्त किए हुए लोगों के ऊपर अगर इस तरह का कार्यक्रम होता है तो छात्रों के हित में, विद्यार्थियों के हित में बड़ा कार्यक्रम होगा। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका क्या रही है, इसी के संदर्भ में बातचीत है। मेरा नाम पवन कुमार, सोच छात्र, गुरुकुल विश्वविद्यालय।